आपको हम बिग बॉस के घर में बहुत कल्चर है और बाबा जैसे लोग और दूसरी भाई, मैं आप लोगों को एक बात का वादा करता हूँ, बाबा मुझे जहाँ भी दिखा, लोग तो बोलते हैं लेकिन आप तो जानते हैं मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, जहाँ मुझे बाबा दिख गया उसकी किस्मत अच्छी नहीं हुई, तो अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसके कान के नीचे ऐसी बजाऊंगा ना कि तीन कलर का पसीना निकलेगा, लाल, पीला और नीला, और बाबा हो जाएगा नीचे से गीला, ये मेरा वादा है तुम लोगों को। देखो क्या है यार, मैं ये कहता हूँ कि यार जो भी लोग, जितने भी लोग बिग बॉस के घर में हैं, सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि औरत की डिसरिस्पेक्ट, और यार इतना गिरी हुई हरकत करने के बाद, मतलब यार ये बहुत गिरा हुआ इंसान है, मतलब कहीं ना कहीं एजाज भाई, ये जो सामने आया, जो वीडियो सामने आया पेशाब फेंकने का, लोगों को छिड़कने का, तो ये कहीं ना कहीं बिग बॉस का ये प्लानिंग था, और इससे कहीं ना कहीं बिग बॉस का, देखो एक बात बताऊं, ग्राफ जो है हाँ, वो नीचे, वो मेरे बाद ग्राफ गिरता ही जा रहा है बिग बॉस का, वो छोड़ दो तो वो छोड़ दो, वो गिरता ही जाएगा। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे जो जो होता है वही दिखता है, तो जो भी आपको बाहर आके ये बोलता है ना कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ऐसा दिखाया, मैं तो ये नहीं हूँ, जो जैसा होता है वैसा ही वो लोग दिखाते हैं 24 घंटे के अंदर। मैं सबसे बड़ी बात ये कर दूँ कि अगर स्वामी ने ऐसा किया तो घर के अंदर वो, मेरे को मनवीर और मन्नू से बड़ा दुख हो गया, कसम खुदा की मैं होता मैं कान के नीचे दो बजाता। और ये देखा है आप लोगों ने, जब भी मैं हक के लिए लड़ा हूँ, मैं अरमान कोहली से भी, सोफिया के लिए जब सोफिया को उसने मारा था मैं उससे लड़ा था, गौहर के लिए भी लड़ा, कामिया के लिए भी और प्रत्युषा के लिए भी लड़ा। तो अगर अंदर मर्द लोग है और एक ये स्वामी ऐसा करता, उसको उल्टा लटका के बांध दो, बाथरूम में बंद कर दो उसको, हाथ पैर बांध के। ओके, आखिरी सवाल आपसे, अगर वाइल्ड कार्ड के थ्रू आपको एंट्री दी जाए और बाबा को भी बुलाया जाए इस सीजन में, तो क्या आप जाएंगे और जवाबी कार्रवाई, क्या होगा फिर वहां पे? सी देखो, बाबा को तो मैं ऐसे बाहर भी देख लूंगा, लेकिन फॉर बिग बॉस यार आई एम नॉट गोना गो फॉर लिटिल, यू नो मेरी प्राइस थोड़ी सी हाई कर दी है मैंने। मेरे डैडी ने मुझे बोला कि इफ़ यू गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री। मैं भले मीडिया को बाइट देके 5 मिलियन 3 मिलियन व्यू दे दूंगा, मीडिया मेरी दोस्त है, पर वहाँ पे धंधा है और धंधे में शर्म नहीं रखने का। यहाँ पे देखो, मेरे हिसाब से बानी ने सबको फेल कर दिया, मेरे हिसाब से वो मर्द की तरह खेल रही है। मनवीर भी अच्छा है, मनवीर मेरे को अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि मनवीर दिमाग से खेल रहा है। अब एक प्लेट पे आके देखो भाई, यहाँ पे सब लोग जीतने आए, कोई भी हारने नहीं आया, तो जीतना बहुत जरूरी है, और मैं दुआ करता हूँ मनवीर या बानी में से कोई जीते। थैंक यू सो मच।